आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज वन मोल जो होता है वाटर का, वो आपका कॉरेस्पॉन्ड करता है इनमें से किसको, ये आपसे पूछा गया, राइट। सो आपको देखो एक चीज समझनी होगी कि अगर मैं देखो मोल्स की बात करती हूँ, सो आपको एक चीज समझनी होगी कि मोल जो होती है ये बेसिकली एक्ट होती है जो हम यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। एक सब्सटेंस के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए जो हम बेस यूनिट यूज करते हैं उसे हम मोल कहते हैं, राइट। और ये कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका एक मोल है, सो उसमें क्या होता है अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्लियर, फाइन। अब देखो अगर अब आपको बोला गया है कि आपके पास क्या है कि 22.4 लीटर एट वन एटमोसफेयर, मतलब वन मोल ऑफ वाटर जो है अगर वो कॉरेस्पॉन्ड करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम को एट वन एटमोसफेयर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये देखो बात गलत होगी। आपको समझना होगा कि हाँ ये बात सही है कि एक मोल जो होता है वो आपका एक मोल जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर आपकी वॉल्यूम, राइट। बट उसके लिए कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये कहती हैं कि एक मोल में इतनी ही वॉल्यूम आपकी ऑक्यूपाई होगी अगर आपके पास क्या एसटीपी कंडीशंस हैं, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। सो आपका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एंड आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 एटमोसफेयर होना चाहिए, राइट। यहाँ पर उन्होंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा, फाइन। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, राइट, सो ये हमारे पास फर्स्ट के लिए होगा। अब अगर मैं सेकेंड की बात करती हूँ, सेकेंड कह रहा है कि 6.023 × 10^23 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, राइट। देखो एक मोल ऑफ वाटर में नो डाउट इतने एटम्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, बट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगी क्योंकि आपके पास क्या वाटर है, राइट। सो वाटर के बेसिकली इसमें क्या 2 एटम्स प्रेजेंट है, सो एक मोल ऑफ वाटर में अगर मुझे हाइड्रोजन एटम्स जानने हैं सो वो कितने होंगे 2 × 6.022 × 10^23 एटम्स, राइट। सो ये आपको समझना होगा, नॉट दिस, सो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एक मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होता है, सो ये ट्रू है, राइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं वाटर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करती हूँ, राइट, अगर मैं इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करती हूँ सो वो क्या होगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास होता है 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम का होता है 16, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास 18 ग्राम, राइट। और ये जो मास होता है 18 ग्राम ये आपका बेसिकली 1 मोल को कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब सो ये आपका करेक्ट है। फिर वो बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ H2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 ग्राम, सो ये तो गलत हो गया, हमने अभी भी देखा वो 18 ग्राम को कॉरेस्पॉन्ड करता है, राइट। सो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।